क्रियात्मक समूह के अपनों ने दो पार्ट देखे थे। दो पार्ट में अपनों ने कुल मिला के 12 क्रियात्मक समूह को उसके अंदर शामिल किया था। अब उससे 12 से आगे जो क्रियात्मक समूह है वो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से क्रियात्मक समूह है वो देखते हैं। पहला कौन सा है? इथर। ठीक, इथर। इथर में देखते अपन क्या है, इथर में दो सफिक्स दे रखे हैं, इधर और इधर, दोनों तरफ से ये क्या होगा, जुड़ जाता है। तो इथर में जैसे इधर भी मेथिल ग्रुप, इधर भी मेथिल ग्रुप जब पूर्व लग्न में लगता है, पहले लगता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एपोक्सी। और इधर देखते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, डायरेक्ट इसमें इथर जुड़ता है पीछे की तरफ, ऑक्सी इथर होता है। ठीक, CONH2 एमाइड ग्रुप होता है, CH3CONH2। ठीक है, यहाँ पर सफिक्स कहाँ था, आगे था, तो यहाँ आगे पर कौन सा एल्किल ग्रुप जुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, एमिनो कार्बोक्सिल। जब ये कहाँ इसके आगे लगता है तो एमिनो कार्बोक्सिल, और पीछे लगता है तो एमाइड ग्रुप, है ना, एक हट के क्या आ जाता है, एमाइड ग्रुप जुड़ जाता है। CN सफिक्स सी ट्रिपल बॉन्ड N, सी और एन के बीच में कितने, तीन बंद होते हैं, ये कौन सा होता है, इस ग्रुप को साइनाइड बोला जाता है, या CH3CN। ये आगे लगता है तो साइनो, और पीछे लगता है तो क्या लगाया जाता है, नाइट्राइल लगाया जाता है। ठीक, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड, CH3NC। आगे लगता है तो आइसोसाइनो, पीछे लगता है तो क्या, कार्बिल एमिन लगाया जाता है। RCO होल ट्वाइस O, इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में R की जगह एल्किल ग्रुप, COCO यहाँ पर दो था, इसलिए इसने अपनों ने क्या किया, इसको दो पार्ट में ऐसे लिख दिया और दोनों को कैसे O से जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि O की संयोजकता कितनी होती है, O की संयोजकता दो होती है, तो इसलिए इसको दो जगह से अपनों ने जोड़ दिया। इसको क्या लिखा जाता है, ओइक एनहाइड्राइड लिखा जाता है। ठीक, ONO ये क्या है, नाइट्राइड ग्रुप है ना, CH3ONO, इसको अनुलग्न में क्या लिखा जाता है, पीछे नाइट्राइट लिखा जाता है। SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, CH3SO3H सल्फो ग्रुप, अगर आगे लिखा जाता है तो क्या, सल्फो, पीछे लिखा जाता है तो क्या, सल्फोनिक एसिड। SH ये कौन सा ग्रुप है, इसको थायो एल्कोहल बोलते हैं। इससे पहले अपनों ने देखा था कौन सा, OH ग्रुप देखा था, OH ग्रुप को एल्कोहल बोलते थे, यहाँ O की जगह क्या आ गया, सल्फर, तो इसको क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल बोला जाता है। CH3SH इसको आगे लगाया जाता है तो क्या लिखा जाता है, थायोल, और पीछे लगाया जाता है तो क्या लिखा जाता है, मरकैप्टो। ठीक, और इस टेबल का लास्ट दे रखा है अपनों ने कौन सा, सब दोनों तरफ सफिक्स है और क्या है, एस है, तो एस को क्या बोलते हैं अपन, थायोइथर, थायोइथर CH3SCH3, इसको एल्किल थायो, है ना, और इधर लास्ट में क्या, एल्किन ग्रुप जो आ जाएगा, और अगर यहाँ होता है तो क्या लगाया जाता है, सल्फाइड लगाया जाता है। एक ग्रुप और बचा है, मैं इसी में बता देता हूँ आपको, एक और ग्रुप है, लास्ट ग्रुप, एक ग्रुप और जो बचा हो इसमें देख लेते हैं, एन एन ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। ठीक, इस टाइप से लगता है, इसको एजो अनुलग्न में क्या लगाया जाता है, एजो लगाया जाता है, एजो नियम या एजो बोला जाता है। ठीक, तो इस टाइप से अपने ये जो थे क्रियात्मक समूह थे, 12 के बाद एक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 22 टाइप के अपनों ने क्या करे, यहाँ पर क्रियात्मक समूह देखे हैं। इनको अब एक एक का अपन क्या करेंगे, इनका नामकरण, इनका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है वो, उसकी मेथड, और अनुलग्न और पूर्व लग्न कैसे लगाए जाते हैं, वो उसकी मेथड क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, वो चीज़ देखेंगे। अभी के लिए आप खाली क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह के कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, उन्हें क्या क्या कहा जाता है, उनके समूह नाम क्या है और उनके सिंबल क्या है, ये तीन चीज़ अपने को एक एक एग्जाम्पल ये ध्यान रखें। अनुलग्न पूर्व लग्न अपन एक एक करके देखेंगे, तो उसमें आपके और
इजी वे में ये क्लियर होते जाएंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, क्रियात्मक समूह क्या है और 22वीं क्रियात्मक समूह के समूह नाम और समूह सूत्र, समूह नाम और उदाहरण, ये तीन चीज भी आप क्या करेंगे आंसर के अंदर नोट डाउन कर लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अनुलग्न और पूर्व लग्न जो है वो आपको लिखने की, इसके आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये नामकरण में आपके काम आएंगे। तो इनको खाली आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बाकी इनकी प्रैक्टिस जो है अपन एक एक क्रियात्मक समूह को लेके करते जाएंगे। तो मिलते हैं क्रियात्मक समूह से रिलेटेड आगे नामकरण के वीडियो को लेके, तब तक के लिए नमस्ते।